और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। घर वालों की डांट सुनने के बाद मन करता है फोन को कभी हाथ ही ना लगाऊं, लेकिन फिर सोचता हूँ गुस्से में इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। हाँ एक्टिंग करना है सिर्फ, आपको इतना बोलना है, सुनिए ना पापा 500 रुपए दीजिए ना पिकनिक पे जाना है, बस आपको इतना बोलना है। रेडी एक्शन। सुनिए ना पापा 500 रुपए दीजिए ना पिकनिक पे जाना है, सुनिए ना पापा 500 रुपए दीजिए ना पिकनिक पे जाना है, सुनिए ना पापा। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। सोला बाप से ऊंचा आवाज में बात कैसे किया रे? अरे पापा हम लोग तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। अरे तू ये बता बाप से ऊंचा आवाज में बात कैसे किया? खत्म। आयो बता भाई क्या मैटर हो गया? अरे अच्छा हो भाई तू आ गया, ज्यादा कुछ नहीं, वो बस एक लड़की का मैटर हो गया। बड़ा भैया थोड़ा दूर फेंकेगा, बड़ा मछली फंसेगा। चलो हम मालूम है तेरे बाप को मसेगा, चल। अरे भाई ये क्या हो गया? क्या बताएं सूरज भाई, चार कोई मिलकर मुझे बहुत मारा। तो फिर तूने क्या किया? यार तुम तो जानते हो मैं हूँ सीधा साधा, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। मैंने सोचा छोड़ो जाने दो, मैंने गुस्सा थूक दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे मारा। फिर मार क्यों? क्योंकि मैंने गुस्सा उसके मुंह पे थूका ना। देखिए भाई साहब, चुड़ैल हर जगह पाई जाती है, गांव में पीपल के नीचे, शहर में मेकअप के पीछे। अखिल और अजय तुम दोनों सगे भाई हो ना? यस सर। तो तुम दोनों ने अपने बाप का नाम अलग अलग क्यों लिखा है? ताकि आप ये ना बोलो कि हम दोनों नकल किया है। ठाकुर साहब मैंने करण अर्जुन को देख लिया। कहाँ देखा करण अर्जुन को? 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे। जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड बन गई ना, उसे मैं पीला दुपट्टा दूंगा। और जिस दिन तू मुझे मिल गया ना, तो मैं तुझे कोलगेट और ब्रश दूंगा।